और लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी पहले चरण के लिए प्रचार में तेजी ला रही है। लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 या 9 अप्रैल को रामटेक जाएंगे, जबकि राहुल गांधी 13 अप्रैल को भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 15 अप्रैल को चंद्रपुर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, गृह मंत्री का आज से 2 दिन का तमिलनाडु दौरा, 2 दिन में 4 रोड शो करेंगे अमित शाह। आज शाम को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान के तहत थेनी शहर में एक रोड शो करेंगे। शाम को मदुरै में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक बैठक का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को शाह सुबह से दोपहर तक लगातार 3 रोड शो करेंगे। ये रोड शो तमिलनाडु के शिवगंगा, तेनकासी और कन्याकुमारी में निकाले जाएंगे। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक आज, मोदी की गारंटी थीम पर हो सकता है घोषणा पत्र। किसानों को लेकर बड़े वादे कर सकती है बीजेपी। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जल्द जारी हो सकता है, इसी को लेकर आज पार्टी की घोषणा पत्र समिति की अहम बैठक है। आज बीजेपी की घोषणा समिति की दूसरी बैठक है। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र की थीम मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 हो सकती है। माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस किया जाएगा, ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। माना जा रहा है कि बीजेपी घोषणा पत्र में इन 4 वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे कर सकती है। घोषणा पत्र के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी ने 27 सदस्यीय टीम का भी गठन किया है। पार्टी मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल के सरकार के कामकाज का ब्यौरा और पूरे किए गए वादों का जिक्र भी किया जा सकता है।